और शुरुआत जयपुर से बड़ी खबर के साथ। प्रवर्तन निदेशालय ने किया है संजय बड़ाया को अदालत में पेश। ईडी मामलों की विशेष अदालत में होगी संजय बड़ाया की पेशी। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने 16 जुलाई को बड़ाया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रमांक 3 के न्यायाधीश सुनील रणवाह के समक्ष पेश किया गया है संजय बड़ाया को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जल जीवन मिशन घोटाले मामले में संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया गया है। अदालत में अब पेश भी किया गया ईडी की तरफ से। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वही संजय बड़ाया जिसका नाम जल जीवन मिशन घोटाले में सामने आया है। महत्वपूर्ण भूमिका इसकी बताई जा रही है पूरे मामले में, इसीलिए गिरफ्तारी संजय बड़ाया की हुई और कोर्ट में पेश भी किया गया है। और माना यह जा रहा है कि इस तरीके से गिरफ्तारी होने के साथ कई बड़े खुलासे भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विमल जी, बेहद महत्वपूर्ण रहा ये पूरा गिरफ्तारी का मामला संजय बड़ाया का, लेकिन अब कोर्ट में ईडी ने पेश कर दिया है, क्या रहा विमल जी, अपडेट क्या है? देखिए, अभी तक अपडेट यही है कि अदालत में जो न्यायाधीश मिस्टर सुनील रणवा है उनके सामने ईडी के अधिवक्ता अजात शत्रु मीना और संजय बड़ाया के अधिवक्ता वो आपस के अंदर अपने तर्क दे रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड्स जज साहब के सामने रख रहे हैं। अभी स्थिति यही है कि इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुनवाई पूरी होने के बाद में ही बड़ाया के बारे में निर्णय होगा। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि ईडी अब बड़ाया की और रिमांड नहीं मांगेगी और ईडी की तरफ से इस बात का आग्रह किया जाएगा कि बड़ाया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। जी बिल्कुल विमल जी, अभी अपडेट का इंतजार भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया भी और भी कई मामले इस गिरफ्तारी के साथ ही खुल सकते हैं। आपने बताया कि रिमांड की डिमांड अभी ईडी की तरफ से नहीं की जाएगी और जुडिशियल कस्टडी की बात कही जा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों, क्या संजय बड़ाया से ईडी ने पूछताछ पूरी कर ली है? जी हाँ, इसका कारण यही है कि इसका कारण यही है कि 16 जुलाई को जब संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था उसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 4 दिन के रिमांड पर दे दिया था और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस मामले में जो पूछताछ होनी थी वो पूछताछ पूरी हो चुकी है। जहाँ तक सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यही है कि अब प्रवर्तन निदेशालय संजय बड़ाया को और रिमांड पर लेने में उत्सुक नहीं है। ऐसी स्थिति में ईडी के सामने विकल्प यही है कि अब वो अदालत से आग्रह करे कि संजय बड़ाया को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए। बिल्कुल। और जहाँ तक इस पूरे मामले का सवाल है, इस मामले में हम पहले भी बता चुके हैं कि 5,40,00,000 रुपये के आसपास जो हिसाब है वो हिसाब इसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण बना है। ये भी माना जा रहा है कि इस मामले में और भी कई लोगों की लिप्तता है। इस बारे में ईडी की ओर से पूछताछ हो चुकी है, अब उस पूछताछ के आधार पर ईडी आगे क्या एक्शन लेती है वो जल्दी पता लगेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विमल जी इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।